हाय बच्चों, कैसे हो सारे के सारे? बढ़िया। ओके, सो गाइस, आज की क्लास में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, एमए इकोनॉमिक्स और पता नहीं कहां कहां पे यूज किया जाता है। काफी बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत भी आती है, काफी लोगों को शायद से आता भी हो। ओके, टॉपिक का नाम है बच्चों होमोथेटिक फंक्शन। होमोथेटिक फंक्शन, बट बिफोर मूविंग टू दी होमोथेटिक फंक्शन आई वॉन्ट टू गिव यू लिटिल आइडिया ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। उसके बाद विल प्रोसीड टू दी होमोथेटिक फंक्शन। स्मॉल टॉपिक, ठीक है, स्मॉल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एंड काफी कुछ सिखा के जाएगा आपको। ओके, चलिए जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको होमोजीनियस फंक्शन बता दूं बच्चों। होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन। ओके, ध्यान से सुनिए सारे बच्चे। होमोजीनियस फंक्शन, अ फंक्शन विद डिग्री एन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। एक फंक्शन जिसकी डिग्री एन होती है उसे होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। अब कुछ लोगों लग रहा है ये कैसी डिग्री भाई साहब बताए थे बच्चों। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है z बराबर f ऑफ एक्स वाई। इफ यू मल्टीप्लाई x एंड y विद सम स्केलर कॉल्ड लैम्डा एंड यू विल हैव लैम्डा टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, जहां पे इस n को हम लोग कहते हैं बच्चों होमोजीनियस डिग्री। फाइन, इकोनॉमिक्स में इसका बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं। लेट अस सपोज प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इफ यू मल्टीप्लाई लेबर एंड कैपिटल बाय सम स्केलर एंड द आंसर वुड बी स्केलर टू द पावर समथिंग टू दिस। सपोज करो लेबर कैपिटल को ट्वाइस किया, लैम्डा इज टू, देन प्रोडक्शन क्या हो गया? प्रोडक्शन भी ट्वाइस हो गया अगर एन वन है। प्रोडक्शन ट्वाइस से ज्यादा हो गया अगर एन एक से बड़ा है। प्रोडक्शन ट्वाइस से कम हो गया अगर एन एक से छोटा है। ठीक है, सो मैथमेटिकली होमोजीनियस का बेसिक मीनिंग अभी ये होता है। डिटेल एनालिसिस ऑफ होमोजीनियस आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस टुडे। माय मेन एजेंडा इज टू डिस्कस होमोथेटिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, होमोथेटिक फंक्शन। ओके, इकोनॉमिक्स में इसका बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। ओके, सो आई एम मूविंग टू द होमोथेटिक फंक्शन। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से, लेट मी राइट फर्स्ट होमोथेटिक फंक्शन। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक की माफी अभी से। ठीक है, ओके, होमोथेटिक फंक्शन होता क्या है बच्चों देर आर सम फंक्शंस, ठीक है, विच आर इक्वल फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे कि इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं अ पर्सन माइट बी इनडिफरेंट बिटवीन द क्वांटिटी और बिटवीन द यूटिलिटीज ऑफ टू गुड्स। x खाऊं y खाऊं दोनों खाता हूं, जितनी x से यूटिलिटी मिलती है उतनी ही y से भी यूटिलिटी मिलती है। फाइन, इसका मतलब इफ पर्सन इज इनडिफरेंट बिटवीन टू गुड्स, ठीक है, दैट मीन यूटिलिटी फ्रॉम वन इज इक्वल टू यूटिलिटी फ्रॉम टू। सिंपल, वेरी सिंपल, कूल। अच्छा बच्चों, अब अगर सपोज करो जो यूटिलिटी वन का फंक्शन है और जो यूटिलिटी टू का फंक्शन है उन दोनों फंक्शन के वेरिएबल्स को अगर मैग्नीट्यूड को श्रंक कर दिया जाए, श्रंक मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी स्केलर से डिवाइड कर दिया जाए, उसके बाद भी अगर दोनों की यूटिलिटी सेम रहती है तो उस फंक्शन को कहते हैं होमोथेटिक फंक्शन। इफ पर्सन इज इनडिफरेंट बिटवीन टू फंक्शन, दो फंक्शन को अगर कुछ श्रंक कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, उसके बाद भी अगर दोनों की यूटिलिटी सेम रहती है तो फंक्शन को कहते हैं होमोथेटिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। ओके, थोड़ा टेढ़ा लिख दिया मैंने, सॉरी। मान लो एफ एक्स बराबर एफ वाई है। इफ एफ एक्स बराबर एफ वाई इंप्लाइज इंडिफरेंट हो गया ना बिटवीन टू गुड्स। एफ ऑफ टी एक्स बराबर एफ ऑफ टी वाई, देन f is called homothetic
फंक्शन, ठीक है। ए पर्सन इज इनडिफरेंट बिटवीन टू गुड्स, एफ एक्स बराबर एफ वाई इंप्लाइज एफ ऑफ टी एक्स बराबर एफ ऑफ टी वाई, देन फंक्शन इज कॉल्ड होमोथेटिक फंक्शन, ठीक है। लेट मी प्रूव बच्चों कुछ कंडीशन के बेसिस। मान लो एक केस वन, अगर एफ होमोजीनियस भी है, अगर एफ होमोजीनियस भी है, ठीक है, टी इज एनी स्केलर, लेट अस सपोज टी शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। नाउ अगर एफ होमोजीनियस भी है तो क्या होगा, हर एक होमोजीनियस फंक्शन हमेशा होमोथेटिक होता है। प्रूफ कर देते हैं जी, सुनो, हमें ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई इंप्लाइज एफ ऑफ टी एक्स बराबर एफ ऑफ टी वाई। दिस वी नीड टू प्रूफ, दिस इज माय टू प्रूफ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आप सारे बच्चे प्लीज। सो आई विल स्टार्ट विथ एफ एक्स बराबर एफ वाई इंप्लाइज दिस, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मेरे को ये गिवन है, मुझे ये प्रूफ करना है, अगर ये प्रूफ हो गया इसकी इसके बेसिस पे तो होमोथेटिक है। और एक कंडीशन है बच्चों, स्मॉल एफ होमोजीनियस पहले से दे रखा है, ठीक है। सो मैं ये उठाता हूं लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ टी एक्स। अब अगर एफ एक होमोजीनियस है सो टी की पावर एन बाहर आएगा, वेरी सिंपल, डिग्री एन। एफ एक्स बराबर किसके है, एफ वाई के, बिकॉज ये गिवन है और ये प्रूफ कर रहे हैं। अगर एफ एक होमोजीनियस है तो क्या टी वाई को अंदर लेके जा सकता हूं, आ गया बच्चों, एफ टी एक्स बराबर एफ टी वाई कब आया, जब एफ एक होमोजीनियस था। तो अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, हर एक होमोजीनियस फंक्शन होमोथेटिक होगा। तो पेपर में अगर होमोथेटिक प्रूफ करने को आ जाए तो फटाफट पहले होमोजीनियस प्रूफ करने की कोशिश करना। अगर होमोजीनियस प्रूफ हो गया तो आपका काम बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। बट आप कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर होमोजीनियस नहीं हुआ तो क्या होमोथेटिक नहीं हो सकता, हो सकता है। अब हम उस केस पे मूव करेंगे, ठीक है बच्चों, चलिए चलिए। होमोजीनियस तो होमोथेटिक होता है, दैट वी हैव प्रूव्ड। व्हाट अबाउट व्हेन फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस? ना मान लो ऐसे लेता हूं, कैपिटल एफ इज नॉट होमोजीनियस बट होमोथेटिक। भाई साहब होमोजीनियस तो नहीं है बट होमोथेटिक है, कैसे प्रूफ करते हैं? देखो बच्चों ध्यान से, बच्चों अगर किसी फंक्शन को होमोथेटिक प्रूफ करना है और अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो वो फंक्शन ना कुछ ऐसा बनना चाहिए, दो फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे वो फंक्शन निकल कर आना चाहिए। कैसे? एच ऑफ एफ एक्स, बच्चों ये हॉफ है, हॉफ जैसे फॉग गॉफ होता है ना, एफ ऑफ जी एक्स फॉग गॉफ होता है, जी ऑफ एफ एक्स, ये हॉफ है, हॉफ। इस हॉफ में बच्चों स्मॉल एफ इज होमोजीनियस विद डिग्री एन एंड बच्चों कैपिटल एच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फाइन बच्चों, इफ दीज टू कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली देन कैपिटल एफ हमेशा होमोथेटिक कहलाएगा। अभी बताऊंगा क्यों, बस अगर किसी को होमोथेटिक बताना है और वो होमोजीनियस नहीं है तो वो दो फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन से निकल के आना चाहिए, जिसमें एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और दूसरा होमोजीनियस होगा, ठीक है। कैसे? अब मान लो अगर ये होमोथेटिक है तो पहली कंडीशन होमोथेटिक की क्या होती है, एफ एक्स बराबर एफ वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बराबर थे ना, फाइन। अब ये इन दो फंक्शन से बना है, उसमें एक होमोजीनियस एक होमोथेटिक है। सुनो ध्यान से भाई, मुझे पहला कंडीशन ये लेके चलनी पड़ेगी। अब ये कंडीशन अगर मुझे दिखानी है, कैपिटल एफ एक्स को लिख सकता हूं एच ऑफ स्मॉल एफ एक्स, इसे लिख सकता हूं एच ऑफ स्मॉल एफ वाई। बोलो बच्चों, अगर मुझे ये प्रूफ करना है और इनकी वैल्यूज डाल के अगर मेरा जो आंसर आए,
अगर वो इक्वल प्रूफ हो गया, दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, अगर मुझे ये प्रूफ करना है इनकी वैल्यूज डाल के जो आंसर आएगा वो दोनों इक्वल हो गए तो ये भी तो इक्वल कहलाएंगे। यार बड़ा सिंपल है, x बराबर y प्रूफ करना है, अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 आ जाए तो क्या x और y इक्वल ही तो कहलाएंगे यार। बच्चों ये s से h कट जाएगा, h वेरिएबल नहीं है, h एक फंक्शन है। लेट अस सपोज ऐसे e की पावर x और e की पावर y, तो h एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो x बराबर y होता है ना। सो fx बराबर fy। अब बच्चों कैपिटल fx कैपिटल fy को बराबर रख के I am getting small fx बराबर small fy, क्या ये ट्रू है? सोचो। हाँ हाँ भाई हाँ, क्यों ट्रू है? क्योंकि small f एक होमोजीनियस है तो होमोजीनियस में इक्वल होता है नहीं, होमोजीनियस मीन्स होमोथेटिक, होमोथेटिक की पहली कंडीशन ये इक्वल होते हैं। स्मॉल f तो होमोथेटिक है यार, क्योंकि वो होमोजीनियस भी है, इसको इक्वल रख के आई एम गेटिंग दिस, तो जो आंसर आ रहा है ये ट्रू है तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। सिंपल, एवरी होमोजीनियस फंक्शन इज होमोथेटिक इसलिए इक्वल। दूसरी कंडीशन बच्चों कायदे से क्या होती है बताओ? दूसरी कंडीशन होती है एफ ऑफ टी एक्स बराबर एफ ऑफ टी वाई, ये होती है सेकेंड कंडीशन। लेट्स प्रूव दिस कंडीशन। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, एफ ऑफ टी एक्स को लिख सकते हैं एच स्मॉल एफ ऑफ टी एक्स, स्मॉल एफ है होमोजीनियस है, टी की पावर एन बाहर निकालो, स्मॉल एफ एक्स के बराबर है स्मॉल एफ वाई के, क्या इसको लिख सकता हूं स्मॉल एफ टी वाई? ऐसे पहले कर लो, स्मॉल एफ टी वाई क्या हो गया ये स्मॉल एफ होमोजीनियस है, कैपिटल एफ टी वाई बराबर आ गया भाई होमोथेटिक। दिस इज प्रूफ नॉन होमोजीनियस फंक्शन कैन बी होमोथेटिक एंड होमोजीनियस फंक्शन इज ऑलवेज होमोथेटिक। ठीक है बच्चों, लेट्स डू टू और थ्री क्वेश्चंस, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोथेटिक एंड होमोजीनियस easily, बहुत आराम से। देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, आपको इतने बड़े बड़े प्रूफ से क्वेश्चन नहीं समझाने एग्जाम में, ठीक है? ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे बताया गया। सुनो कुछ ध्यान से सुनना, ओके। मान लो पहला क्वेश्चन ये है, सब कैपिटल एफ एक्स वाई, मान लो ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, कह रहा होमोथेटिक है या नहीं है? सिंपल, पहले चेक करो होमोजीनियस है या नहीं है। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डालो, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स क्यूब लैम्डा एक्स स्क्वायर लैम्डा वाई लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा वाई, ओके। नाउ व्हेन आई टेक लैम्डा क्यूब आउटसाइड व्हाट आई विल हैव, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, क्या आप सबको समझ में आ रहा है? ये अंदर वाला फंक्शन ही बन गया है, होमोजीनियस हो गया, इट इज होमोजीनियस विद डिग्री थ्री, विद डिग्री थ्री एंड ऑल्सो होमोथेटिक ना, बिकॉज ऑफ होमोजीनिटी। सिंपल, वेरी सिंपल, पहले चेक करो होमोजीनियस है या नहीं, अगर होमोजीनियस नहीं है तब वो कैपिटल एफ वो ट्रांसफॉर्मेशन हॉफ-शॉफ लेकर आओ। ठीक है, देखो बच्चों एक क्वेश्चन और कराते हैं, चलिए आपको मजा आएगा, प्लीज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वन इज कैपिटल एफ एक्स वाई गाइस e टू दी पार एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ओके। सुनो ध्यान से, होमोजीनियस नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से दिस इज नॉट होमोजीनियस, लैम्डा वाई क्यूब कहां बाहर आएगा फंक्शन से, हो ही नहीं सकता, होमोजीनियस नहीं है, लैम्डा क्यूब पूरा नीचे आना चाहिए ना बाहर, वो तो ऊपर ऊपर ही आएगा, होमोथेटिक है या नहीं चेक करते हैं। दो फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करो, एक स्मॉल एफ एक्स वाई मानो
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक एच ऑफ यू मानो ई की पार यू। सुनो, अब जो मेरा फंक्शन है जिसे मुझे होमोथेटिक बताना है, क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलो बच्चों, देख लो एफ एक्स वाई क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और एच ऑफ यू ये है, तो एच ऑफ दिस क्या होगा? वेरी सिंपल, हाफ। सो नाउ ये ऐसे दो फंक्शन में ब्रेक हो चुका है, कहने से ये होमोजीनियस है विद डिग्री 3, और कहने से ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। द फंक्शन विच वी नीड टू प्रूव होमोथेटिक, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू फंक्शन, वन इज होमोजीनियस, अदर वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेंस कैपिटल एफ इज होमोथेटिक। सिंपल, ठीक है बच्चों, ओके, दिस इज ऑल अबाउट होमोथेटिक। एक क्वेश्चन और कराए थे आपको, सो दैट यू नो यू आर डन विथ होमोथेटिक। छोटा सा ही करूंगा क्वेश्चन, सुनो। मान लो बच्चों क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर लॉग एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, लॉग एक्स की पावर ए वाई की पावर बी। अब बच्चों ध्यान से सुनो, स्मॉल एफ एक्स वाई क्या है? पहले तो होमोजीनियस है नहीं ना, लैम्डा बाहर नहीं आ पाएगा। स्मॉल एफ एक्स वाई को ले सकते हैं ये, और एच ऑफ यू को क्या ले सकता हूं? क्या ये होमोजीनियस है? बिल्कुल, लैम्डा की पार ए, लैम्डा की पार बी, लैम्डा की पार ए प्लस बी बाहर आ जाएगा। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? बिल्कुल जी, लॉग हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है बच्चों, भूलो मत डायग्राम, सॉरी चिपकाना नहीं है इससे, लॉग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कैपिटल एफ इज, स्मॉल एफ इज होमोजीनियस, सो कैपिटल एफ इज होमोथेटिक। सिंपल, ठीक है बच्चों, सो दैट इज ऑल अबाउट होमोथेटिक। आई होप आप सबको समझ में आया हो अच्छे से होमोथेटिक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टाटा।